भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला फैंस को रोमांच से भर देता है। जब भी दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, जोश देखने से बनता है। मगर आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को मात नहीं दे पाया। भारत का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 6 बार आमना सामना हुआ और हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। आज हम आपको उन 6 मौकों के बारे में बताने जा रहे हैं जब भारत ने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया। 1992 सिडनी में हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 173 पर ऑल आउट हो गई। भारत ये मैच 43 रनों से जीता और उस वक्त सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच चुने गए। 1996 बेंगलुरु, इस बार भारत और पाकिस्तान बेंगलुरु में क्वार्टर फाइनल में भिड़ी। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन कुंबले और प्रसाद की गेंदबाजी के आगे पूरी पाकिस्तान की टीम 248 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान 39 रन से यह मुकाबला हार गया। 1999 मैनचेस्टर, भारत का प्रदर्शन इस संस्करण में भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया और 47 रनों से जीत दर्ज की। 2003 सेंचुरियन, इस विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रन बनाए। जवाब में भारत ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 45 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। 2011 मोहाली, इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 231 रन पर ढेर हो गई। 2015 एडिलेड, इस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 76 रनों से एक तरफा जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 224 रनों पर सिमट गई। ये वो मौके थे जब भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया।